दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। 17 आवर्स की लॉन्ग फ्लाइट फ्रॉम न्यूजीलैंड टू दुबई और 5 मोर आवर्स टू बुडापेस्ट। अभी हमारी नेक्स्ट फ्लाइट 5 आवर्स में है, तो इतना टाइम हम एयरपोर्ट पे एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं इधर उधर। यही बुर्ज खलीफा लेके चले क्या? इतने पैसे हैं आपके पास? अभी तो थोड़े से पैसे आए मेरे पास। प्यार को हो जाने दो। 3-4 घंटे एयरपोर्ट पे बिताने के बाद हम फाइनली जा रहे हैं फ्लाइट बोर्ड करने। आई एम एक्साइटेड फ्लाइट बोर्ड करने। ये यार, इन्होंने धोखा कर दिया मेरे साथ। मुझे लगा था कि हम फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं, इन्होंने हमें बस में बिठा दिया। और बस में एक्चुअली ये हमें लेकर आए हैं बाहर, यहाँ पे फ्लाइट बाहर से बोर्ड करवाएंगे। और यहाँ सीढ़ियों से जाते हुए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं फ़्लाइट में नहीं किसी बस में चढ़ रहा हूँ। और इतनी भीड़ है यहाँ पर, बिल्कुल दिल्ली के मेट्रो स्टेशन जैसा लग रहा है। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, बस इस बंदी की वजह से रुकी हुई है। ये आप नीचे दुबई देख सकते हैं, दुबई की सारी बिल्डिंग्स और भीड़ दिख रही है नीचे। मुझे तो एक्चुअल में लगा था कि हम बुर्ज खलीफा देख सकेंगे जब फ्लाइट दुबई के ऊपर से उड़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऊपर से बिल्कुल दिल्ली जैसा लग रहा है, वही धुआं वही। और ये जो आगे आप देख रहे हैं शोर लाइन, ये एक्चुअली दुबई की कोस्ट लाइन है। और दुबई ने कोस्ट लाइन को अपनी को बढ़ाया है, इन्होंने लैंड रिक्लेम की है अपनी सी में। हाउएवर इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज जो लैंड रिक्लेमेशन होती है उससे इन्वायरमेंट पे बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल लिक्विफिकेशन होती है, वहाँ की जो मैरीन लाइफ है उसको बड़ा नुकसान होता है। शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ क्या आनी चाहिए। ऑलमोस्ट 5 घंटे की फ़्लाइट के बाद वी आर रेडी टू लैंड इन बुडापेस्ट। और यहाँ पे उतरते ही एयरपोर्ट से हम शटल लेंगे। अगर मैं हेल्प ना करूँ तो दरवाज़ा खुलता तो नहीं। सबसे पहला तो ये हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। इस जगह को हमने एक्चुअली एयरबीएनबी पे ऑलरेडी बुक कर लिया था। ये है 36 डोहानी स्ट्रीट। ये बिल्कुल सेंट्रल है और ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है। इसमें एंट्री के लिए आपको ये कोड भरना पड़ता है। उस बंदे ने कोड हमें ईमेल कर दिया था ऑलरेडी। ये आप देख सकते हैं गाइस कि ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। एक्चुअली ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। बड़ा पुराना इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, पर ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स पूरे ये सेंट्रल बुडापेस्ट में बनी हुई हैं। और हमारा जो फ्लोर है वो 3rd फ्लोर पे हमें जो अपार्टमेंट मिला है, तो उसके लिए हमें लिफ्ट में जाना पड़ेगा।
ये लिफ्ट एक्चुअली बड़ी नई सी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे रिसेंटली ये इंस्टॉल की हुई हो। सेकंड फ्लोर पे ओ ये ट्रेडर्स कैंची है। तो ये देखिए ऊपर से ये कैसी लग रही है बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की एक्चुअली बड़ी हिस्ट्री है। इट हैज़ सर्वाइव्ड वर्ल्ड वॉर टू और हंगेरियन सिविल वॉर, सो उन सब में से इस बिल्डिंग ने सर्वाइव किया है। अभी हम चलते हैं अपने अपार्टमेंट में।